हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होगी हिंदी में और हम करेंगे ईद मेकअप लुक। सो जैसे कि आप जानते हैं कि ईद आने वाली है, तो मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं बेस के लिए, आई शेडो बेस के लिए पैक का कंसीलर यूज़ करूँगी और नायका के कंसीलर ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फिर ऐसा सा एक बहुत ही न्यूट्रल सा कलर लूँगी एंड देन थोड़ा सा उससे डार्क कलर लेके अपनी क्रीज लाइन पे उसको लगा लूँगी और ब्लेंड कर लूँगी। ये जो पैलेट है ये सोफ एक्स पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन का। देन अपने आउटर कॉर्नर के लिए एक डार्क ब्राउन सा कलर लूँगी। एक्चुअली ये जो कलर है ये थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउन है, तो ये बहुत अच्छा लगता है क्रीज पे। फिर ऐसे इस तरीके से क्रीज पे मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। देन अपने आईलेट्स के लिए मैं यहाँ पे पहले येलो या गोल्डन शेड ले रही हूँ, लेकिन फिर मुझे ये गोल्डन शेड थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो फिर मैं इसके अंदर ब्रॉन्ज और एक शैम्पेन कलर भी मिक्स कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पे तीन कलर मिक्स करके ये आई लुक तैयार कर लिया है। देन मैं अपने फेस के लिए यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेस का ग्लो सीरम। अच्छे से मसाज कर लिया। आज फाउंडेशन के लिए यूज़ करूँगी लैक्मे 925 का मूज फाउंडेशन। शेड एंड एवरीथिंग विल बी इन द बॉटम बार, तो उसको ज़रूर आप चेक करिएगा। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी पैक 265 ब्रश से। देन वही पैक वाला कंसीलर लेके मैं अपने अंडर आईज पे लगाते हुए अपने आई शेडो को क्लीन करते हुए जाऊँगी एजेस पे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ थोड़ी कवरेज चाहिए वहाँ लगा के इसको ब्लेंड कर लूँगी नायका के कंसीलर ब्रश से। ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, बहुत ही कम प्रोडक्ट लेके धीरे धीरे इसको ब्लेंड करना है। सेट करने के लिए सब कुछ मैं यहाँ ले रही हूँ मेबेलिन का फिट मी पाउडर, और उसी कंसीलर ब्रश से जहाँ जहाँ मुझे सेट करना है वहाँ पे उसको लगा लूँगी। इससे बहुत ही प्रीसाइज एप्लीकेशन मिलेगा और जो भी मेरे ब्रश पे रह जाएगा वो फिर मैं अपने फेस पे उसको ब्लेंड कर लूँगी। देन काजल के लिए ले रही हूँ के ब्यूटी का काजल और इसको लोअर वाटर लाइन पर लगा रही हूँ, थोड़ा नीचे की तरफ। फिर मैं इसको एक पेंसिल ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और वही ब्राउन वाला जो शेड लिया था ना उसी को लगा के अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा सा स्मोकी सा इफेक्ट देने के लिए। एज यू कैन सी हियर टाइट लाइन भी कर लूँगी एंड फिर यहाँ पे एक न्यूट कोल लेकर अपने वाटर लाइन पर लगा लूँगी। एंड फिर मैं यहाँ पे आईलाइनर ले रही हूँ के ब्यूटी का। यहाँ पे मैं हल्का सा डबल विंग आईलाइनर करूँगी, आप देखिए बहुत ही हल्का, बहुत ही सुंदर लगता है, कुछ ड्रामेटिक नहीं है, बहुत ही सुंदर सा दो विंग मैं बनाऊँगी। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपके पास कोई भी आईलाइनर हो आप उससे कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा था पतला आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा अभी मन कर रहा है ड्रॉ करने का, तो फिर मैंने वो कर लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये सेकेंड लाइनर भी बना रही हूँ। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ निक्स का वर्थ द हाइप मस्कारा और मस्कारा लगा लूँगी, फॉल्सीज नहीं अप्लाई किए मैंने। और फिर अपने फेस को बहुत अच्छे से ब्रॉन्ज करेंगे मैक के ब्रॉन्जर से, बहुत ही अच्छे से ब्रॉन्ज कर लेना है फेस को, बिल्कुल चिजल्ड लगना चाहिए। तो ब्रॉन्ज कर रही हूँ यहाँ पे मैं फिर से, जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं इसको क्लीन कर लूँगी इसी पाउडर की हेल्प से। फेसेस का ग्लैम ऑन ब्लश लेके बहुत ही अच्छे से ब्लश करूँगी, एक ये कोरल सा शेड है, बहुत ही सुंदर लगता है इंडियन स्किन टोन पे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेबेलिन का हाइलाइटर मोल्टन गोल्ड एंड या लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एज यू कैन सी। बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेंगे अब उसी शेड से। देन यहाँ पे लास्ट में मैं एक मेकअप सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप बिल्कुल लॉक कर लेंगे। फिर यहाँ पे हुडा ब्यूटी की एक लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ आइकॉन शेड में। आप चाहे तो यहाँ पे रेड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा न्यूड सा शेड चाहिए था। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट मेक श्योर टू लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस लुक। एंड या होप यू एंजॉय दिस फेस्टिवल। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।